यूपी के बुलंदशहर में मारपीट की घटना के दो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में एक युवक दूसरे युवक के साथ जमकर गाली गलौज करता दिखाई दिया। जहांगीराबाद में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। काले बादलों के साथ रिमझिम बारिश शुरू हुई है। गाजियाबाद के पास इंदिरापुर इलाके से फिर एक युवती मनचरों का शिकार हुई। गंगापुर सिटी शहर में इन दिनों कई प्रमुख रास्ते जाम से जूझ रहे हैं। इसका कारण है शहर में चल रहा सीवरेज लाइन कार्य। मुरादाबाद मानसून की पहली बरसात में नगर निगम के दावे की पोल खोल दी। बारिश के कारण जल भराव से सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर संघर्ष हो गया, जिसके बाद एक पक्ष ने बंदूक निकाल कर तान दी। बांदा जिले के एक गांव के लोगों ने बबेरू उप जिला अधिकारी को शिकायत पत्र देकर कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। करौली उपखंड के गांव सेंगरपुर स्थित जाटों बस्ती में पायजल किल्लत का सामना कर रहे ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया। ग्रामीण महिला और पुरुष हाथों में खाली बर्तन लेकर घरों से निकले और ग्राम पंचायत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बुलंदशहर की बेटी को मेरठ में उसके पति ने मामूली सी बात पर विवाद होने के बाद तीन तलाक कहकर तलाक दे डाला। चरथावल में सचिव को डरा धमका कर मोटी रकम वसूल करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि भाकियों के कार्यकर्ताओं ने सचिव को डराया धमकाया और मोटी रकम वसूल की। खबर गंगापुर सिटी की, जहां इन दिनों प्रताप नगर का रास्ता पूरी तरह से जर्जर हालत में है। खराब रास्ते की वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर के दौलतपुर में इन दिनों ठेकेदार की लापरवाही स्कूली बच्चों पर भारी पड़ रही है। आपको बता दें कि आगरा से आटाहेड़ी जाने वाले मार्ग पर रोड खुदी हुई है। वहीं गुना में हिंदू संगठन के नेता अनिमेश भार्गव ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि राजनीतिक प्रशासन षड्यंत्र द्वारा उच्च न्यायालय की अवहेलना की जा रही है। मेरठ में बिना परमिशन सैकड़ों की तादाद में लोगों को एकत्रित मॉब लॉन्चिंग के विरोध में जुलूस निकालने वाले प्रमुख आरोपी बदर अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मेरठ में शराब पार्टी के दौरान वर्द की पीट पीट कर हत्या कर दी। वारदात सामने आई, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी को गिरफ्तारी करने में जुट गई। मेरठ के नए SSP अजय सहानी ने आज अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इसके पहले बाराबंकी में भी SSP के पद पर तैनात थे। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गाजियाबाद के मसूरी में एक दिन दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पति ने पत्नी सहित तीन बच्चों की हत्या करने के बाद खुद भी फांसी लगा ली। बिजनौर पुलिस ने थाने से ट्रैक्टर चोरी करने वाले पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया है और साथ चोरी हुआ ट्रैक्टर भी बरामद कर दिया है।